हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड फ्रिक्स मेड बाय यू मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो ये है कि यहाँ पे अपने को कोई भी स्पेसिफिक पेयर दिया हुआ नहीं है कि जीरो और वन के पेयर से ही आपको मैक्सिमम निकालना है। ये मैक्सिमम अपने को ही ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो। हो सकता है अपन जीरो और टू के पेयर को ले रहे होते। जीरो और टू आपस में बिल्कुल कनेक्टेड, मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बोला सही बात है, बोला हाँ जी भैया सही बात है। तो भी अगर जीरो और टू के जो कनेक्शन है वो आपस में अगर मिलकर मैक्सिमम बना रहे हैं तो फिर अपन क्या करेंगे, जीरो और टू को ले लेंगे। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसकी वजह से हो सकता है आपका क्वेश्चन आधा तो इसी की वजह से गलत हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस बात को समझ के बोला हाँ जी भैया, इस बात को समझिए। उसके बाद में फिर आपको बस क्या चेक करना है कि जैसे जीरो के साथ में आप जिसके जीरो के साथ में जिसका भी आप पेयर बना रहे हो, सपोजिंगली एक नंबर आपका जीरो है, एक नोड आपकी जीरो है और उसके साथ में आप किसी का भी पेयर बनाते हो। तो जैसे मान लो मैंने थ्री से पेयर बनाया उसका, तो अब जीरो से थ्री का भी कनेक्शन और थ्री वाले कनेक्शन में भी एक बार जीरो आएगा ही आएगा, फर्स्ट ही बात है बोला हाँ जी भैया। तो इसमें आपको क्या ये डबल हो गया? हाँ, तो आपको इस वाले कनेक्शन को, एक कनेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। आप इस वाले कनेक्शन को दो बार नहीं ले सकते, तो आपको इसको भी एक बार एक्सेप्शनली हैंडल करना है। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। अब मैंने जीरो जीरो तीन चार बार बोल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीरो को आपको बाय डिफॉल्ट लेना ही। आप किसी भी का भी पेयर बना सकते हो, जीरो वन का, जीरो टू का, वन टू का, टू थ्री का, कुछ भी पेयर बनाओ, मतलब कोई भी पेयर बन सकता है। बस आपके वो जो दोनों पेयर मिला के जितने भी रिलेशन है ना उनसे वो क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने क्या जा रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो संध्या, आप क्वेश्चन कहने का चाह रहा था, क्वेश्चन मैंने एक तो अपने को एन दिया होता है, एन तो है अपने नंबर ऑफ नोड्स, बोले ठीक है, और रोड दी हुई है। ठीक है, अपने को अब रोड के अंदर दिया हुआ क्या है कि जीरो और वन, मतलब जीरो और वन का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो अब ये रास्ता जो सिर्फ जो है जीरो से वन पे नहीं, वन से जीरो पे भी ज्यादा है, बाय डायरेक्शनल है ये। ठीक है, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। फिर एक हो गया अपना जीरो से थ्री, ओके, वन से टू, बोला ठीक है बहुत बढ़िया, और एक हो गया वन से थ्री, बोला ठीक है। अब अपने को करना क्या, अपने को कुछ भी नहीं करना, दो ऐसी नोड्स देनी है, दो ऐसी नोड्स देनी है जहाँ से मैक्सिमम सिटीज पे आप जा सको। ये सिटीज मान लो, सिटीज मान लो कि एक ऐसी सिटी मान लो, आपको दो ऐसी सिटी देनी है, बेसिकली दो ऐसी सिटीज देनी है जिससे आप मैक्सिमम सिटीज पे जा सको, बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, जैसे जीरो से अगर अपन देखें तो जीरो से कितने सिटीज पे जा सकते हैं, बोला एक और दो। समझ गए इस बात को, कनेक्शन यहीं से है, सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्ट कनेक्शन अपने को काउंट करना था, डायरेक्ट यहीं से है, बोला जी भाई बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने देख लिया जीरो से कितने हैं, दो हैं। फिर अपन ने बोला वन से बताओ, बोला वन से तीन है, बोला ठीक है वन से तीन हुए। फिर अपन ने बोला कि थ्री से बताओ, बोला थ्री से कितने हैं, बोला थ्री से भी दो है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने बोला टू से बताओ, बोले टू से कितने, बोला वन है, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कोई से भी टॉप टू ले लेंगे, बोला ठीक है। तो एक तो हो गया ये, वन ऑफ कॉस्ट की बात है, बोला हाँ जी भैया। अब चाहे आप थ्री ले लो, चाहे आप टू जीरो ले लो, कोई सा भी चल जाएगा, बोला ठीक है। मैंने सपोजिंगली जीरो ले लिया, कोई सा भी लोगे सब चल जाएगा, बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को क्या बताना है, अब यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम में इन्हीं के कनेक्शन आ रहे थे, बोला हाँ जी भैया। तो अब बताओ वन और जीरो को मिला के कितने कनेक्शन बन रहे हैं, बोला ठीक है। तो जीरो से अपना एक तो ये बन रहा था, एक ये बन रहा था, दो हो गया, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर वन से एक ये हो गया थ्री, बोला हाँ जी भैया, एक ये हो गया फोर, बोला हाँ जी भैया, एक ये। अब ये तो ऑलरेडी अपन ने जीरो में काउंट कर लिया, तो ऑफकोर्स बात है इसको काउंट नहीं करेंगे, बोला ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, बोला चार, क्या चार ही अपना आंसर है, बोला हाँ एक्जैक्टली, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट योर आंसर। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कि क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आना तो लिटरली आगे का जो ट्रिक है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बहुत बढ़िया। अब इसके लिए अपन ने क्या किया, अभी अभी अपन ने देखा, जैसे कि अपन ने अप्रोच करने की कोशिश करी थी इस क्वेश्चन को समझने के लिए, वही अपन अप्रोच बिल्ड करने के लिए भी यूज करने वाले हैं। क्या कि अपन क्या करेंगे, जीरो से पहले सारे के सारे काउंट कर लेंगे कि जीरो से कितने कनेक्शन है, बोले ठीक है। तो अपन ने काउंट कर लिया, जीरो से दो है, बोले ठीक है। कौन कौन से हैं, दो, बोला वन है और थ्री है। तो अपन जीरो के अंदर ये स्टोर करवा लेंगे। फिर अपन ने बोला वन के अंदर क्या स्टोर करेंगे, बोला वन से कहाँ कहाँ के कनेक्शन है, बोले ठीक है। तो जीरो है, टू है और थ्री है। सिमिलरली टू में भी अपन यही कर लेंगे, सिमिलरली थ्री में भी अपन यही कर लेंगे। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को, अपन ये ऐसा कर लिया। हाँ, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं, अपन ये देखेंगे कि जो जीरो है और जो वन है वो मिला के कितने कनेक्शन बना पा रहे हैं, बोले ठीक है। वो मिला के अपने चार कनेक्शन बना पा रहे हैं, फिर जीरो और टू मिला के कितने बना पा रहे हैं, फिर जीरो और थ्री मिला के कितने बना पा रहे हैं, फिर वन और जीरो मिला के कितने बना पा रहे हैं, फिर वन और टू मिला के कितने बना पा रहे हैं, फिर वन और थ्री मिला के कितने बना पा रहे हैं।
समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया। तो फिर अपन क्या करेंगे कि हाँ अपन ने सारे के सारे कनेक्शन देख लिए और लास्ट में अपन रिटर्न क्या करा देंगे कि हाँ जी भैया ये वाला कनेक्शन था जिनमें अगर अपन ने ये दोनों पेयर उठाए तो ये दोनों पेयर मिलके मैक्सिमम अपने बना रहे, मैक्सिमम कनेक्शन कितने वो अपने को रिटर्न कराने थे, एंड ऑफ डिस्कशन। बस इतना ही क्वेश्चन था। मतलब क्या बोला एक्जैक्टली देख लेते एक बार। यहाँ पे आओ, अपन ने क्या किया, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया जिसको इस जीरो से इनिशियलाइज किया है, इसको छोड़ दो, बोला ठीक है। फिर अपन ने एक वेक्टर बनाया अनऑर्डर्ड सेट का, ये क्या है भैया ये समझा दो एक बार। देखो अनऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है कि आपका सॉर्टेड वे में हमेशा आंसर रहेगा जो भी आप उस कंटेनर में डालोगे, और साथ ही साथ में क्या है यूनिक रहेगा। अनऑर्डर्ड में क्या हो जाएगा कि यूनिक तो रहेगा सॉर्टेड में नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ तो इसमें हमेशा क्या आएगा, यूनिक वैल्यूज आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या लिया, फोर का लूप चलाया। अब ये फोर का लूप ध्यान से समझ लो, यहीं पर आधा गेम तो छुपा हुआ है। फोर के लूप में अपन ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे आओ। अपन ने क्या रूट्स को लिया, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने जीरो के अंदर किसको इंसर्ट कर दिया, जीरो के अंदर इंसर्ट कर दिया अपन ने वन को, और वन के अंदर इंसर्ट कर दिया जीरो को, जीरो के अंदर इंसर्ट कर दिया थ्री को, थ्री के अंदर इंसर्ट कर दिया जीरो को, वन के अंदर इंसर्ट कर दिया टू को, टू के अंदर इंसर्ट कर दिया वन को, वन के अंदर इंसर्ट कर दिया थ्री को, थ्री के अंदर इंसर्ट कर दिया वन को। समझ गया इस बात को, बोला हाँ जी भाई समझ गया। उसके बाद में कुछ ऐसा बन गया कि जीरो के अंदर आ गया वन थ्री, वन के अंदर आ गया जीरो टू थ्री, टू के अंदर आ गया वन, थ्री के अंदर आ गया जीरो और वन। समझ गया इस बात को, बोला हाँ जी भाई समझ गया इस बात को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस फोर के लूप की मदद से अपन ने ये किया है। फिर अपन ने क्या किया, दो फोर के लूप और चलाए मल्टीपल, ये क्या कर रहे हैं इस बात को ध्यान समझो। यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि जैसे अपन ने एक फोर के लूप चलाया जिसके ऊपर अपन ने सबके सब ले लिए, बोला ठीक है कितने हैं, बोला चार हैं, ठीक है तो अपन चार के ऊपर चलाएंगे। फिर अपन क्या बोले कि अब जैसे सबसे पहले अपने पास जीरो आया, तो जीरो के अपन किस किस से चेक कर रहे होंगे, जीरो के अपन सबसे चेक कर रहे होंगे। तो अपन ने बोला जीरो के वन से भी चेक करो, टू से भी चेक करो, थ्री से भी चेक करो। फिर अपन वन पे, फिर अपन ने वन पे आके क्या बोला कि वन की किस किस से चेक करेंगे, बोला सभी से करेंगे, बोला सभी से कर सकते हैं, आपके बात बिल्कुल सही है, लेकिन जीरो जब आया था तो जीरो ने ऑलरेडी वन से चेक कर ही लिया होगा, बोला हाँ जी भैया ये बात भी सही है। तो जीरो जब आप वन से चेक कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप वन से सीधा इन दोनों को ही चेक कर लो सिर्फ और सिर्फ। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो वन से आपने इन दोनों को चेक कर लिया, फिर टू पे आए, फिर टू पे आके किसको चेक करोगे, बोला कौन सी बात है सिर्फ और सिर्फ थ्री को चेक करेंगे, क्योंकि टू ने मतलब जो टू था वो जीरो से चेक करता तो जीरो ने ऑलरेडी टू से चेक करा हुआ, तो बात एक ही है। जो टू है वो वन से चेक करता तो वन ने ऑलरेडी टू से चेक करा हुआ, ये बात ही की है। समझ गया इस बात को, बुलान जी भैया समझ गया इस बात को। तो अपने अभी यही किया, दो फोर के लूप चलाएं, क्यों चलाएं ये बात समझ गया। जो दूसरा फोर के लूप है वो आई प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है, क्यों स्टार्ट हो रहा है समझ गया बुलान जी भैया। उसके बाद फिर अपन ने क्या किया कि जो एक इंटीजर बनाया टेम्प्रेरी नाम का, बोला ठीक है। उसमें अपन ने क्या किया कि जो आइथ वेरिएबल है उसकी कितनी साइज है, बोला सपोजिंगली ये अपना आइथ वेरिएबल है तो इसकी कितनी साइज है, बोला टू है, बोला ठीक है। और ये अपना जेथ वेरिएबल है सपोजिंगली इसकी कितनी साइज है, बोला थ्री है। तो अपने इन दोनों का सम जो है वो टैम्प में स्टोर करा दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, बोला ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने इन दोनों का सम टैम्प में स्टोर कराया। फिर अपन ने क्या बोला, एक बार ये देख लो जो एडजेसेंट ऑफ आई है कहीं उसमें जे तो नहीं आ रहा, जो आई है उसके अंदर जे तो नहीं आ रहा। समझ गया इस बात को, ऐसे क्योंकि अपन ने जिसके अंदर वो रिपीटेड काउंट ना हो जाए, बोला हाँ जी समझ गया इस बात को। अगर ऐसा होता है तो टाइम में जो भी वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू को माइनस करा दो, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर अपन ने क्या किया, आंसर में स्टोर करा दिया जो आंसर में पहले से था, पहले से क्या था जीरो था। और अपन ने क्या बोला कि आंसर में जो पहले से है वो या फिर जो अभी टाइम की वैल्यू उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो आंसर में स्टोर करा दो। ये अपन ने पूरे के पूरे इटरेट कर लिया और लास्ट में अपन ने क्या करा दिया, आंसर को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो अनबॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो गया है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते ही आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करी है सेट के साइज की, मतलब ऑफ एन, तो आपकी क्या हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ही डिफाइंड हो गई। लेकिन अब यहाँ पे आपका क्या है, आप बना रहे हो एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जीरो के साथ में वन भी स्टोर करा रहा है तो डबल डुप्लीकेसी होगी डाटा की, बोला जी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा वर्स्ट के सिनेरियोस में अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बोले ठीक है। अब बताओ अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, तो बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अपन क्या बोलेंगे, दो मल्टीपल फोर के लूप चल रहे हैं, बोला हाँ जी भैया एक के अंदर एक चल रहा है, तो यहाँ पे भी कितनी हो गई ऑफ एन स्क्वायर कितनी हो गई, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।